स्टेट एजेंसी पर फायरिंग से दो अफराद के कत्ल का मामला, मुल्जिम जरीफ खान गिरफ्तार। कराची के इलाके मलेर सोमार कोर्ट में स्टेट एजेंसी पर फायरिंग से दो अफराद के कत्ल के मामले में अहम पेशरफ सामने आई। अजरती कातलों को लाने वाले मुल्जिम जरीफ खान को गिरफ्तार कर लिया गया। SSP मलेर इन्वेस्टिगेशन का इस हवाले से कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा जमरूद से 12 अजरती कातलों को कराची लाया गया। कातलों को अली रजा और इसके वालिद जवाहर खोखर की सुपारी दी गई। SSP साहिदा परवीन ने बताया कि अली रजा खोखर वाके से 5 मिनट पहले स्टेट एजेंसी से निकल चुका था। कातिलों ने अतरगुल जोखियों को अली रजा समझकर कत्ल कर दिया। अली रजा खोखर पर 2.5 साल कबल बशीर अफरीदी के कत्ल का इल्जाम था, जबकि कत्ल केस में अली रजा खोखर बरी हो गया था। मकतूल का बाप मूसा खान बेटे के कत्ल का बदला लेने के लिए अजरती कातिल लाया था। SSP के मुताबिक मूसा खान का दामाद जरीफ 10 सितंबर को दोनों कातिलों को कराची लाया। जमरूद से अजरती कातिल हाजी अकबर और तारिक अफरीदी को कराची पहुंचे थे। मूसा खान, इसके बेटे शबीर और दोनों अजरती कातिलों की तलाश जारी।